गाइज आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले व्हाट्सएप के न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अपडेट किस चीज के ऊपर है एंड ये समझ लो कि व्हाट्सएप जो इंटरफेस है ना वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है एंड बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि अब व्हाट्सएप का अपडेट है क्या। तो आज का ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है, काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी हेल्पफुल भी होने वाला है। तो आज का ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। ओके, तो आज का ये वीडियो अपने आप बिना टाइम वेस्ट करते गाइस सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद में आपको भी ये वाले फीचर्स एंड आपको ये वाली अपडेट्स आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको मिल जाएगी। ओके, तो अपन अब बात कर लेते हैं कि व्हाट्सएप का अपडेट है क्या। तो अपन चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एंड आपको एकदम प्रैक्टिकली आपको मैं समझा देता हूँ। देखो गाइस सबसे पहले मैं मेरे व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। ओके, जैसे मैं ओपन करूंगा तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा एंड आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये तो सब कुछ ही चेंज हो चुका है। तो आपको एक एक चीज आपको मैं समझाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे बार की, अपन बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे पहले ऊपर आता था बट यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट हो चुका आपसे। देखिए जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपको यहाँ पे चैट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नीचे, देन आपको यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद में आपको कम्युनिटीज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देन इसके बाद में आपको यहाँ पे कॉल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले नीचे की बात होगी, अपन बात कर लेते ऊपर की। ओके, अच्छा सही सोचना भैया। ओके, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे कैमरे का आइकन देखने को मिल जाएगा, देन इसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देन इसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड प्रोफाइल के अंदर भी काफी चीजें चेंज हो चुकी है वो आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। ओके, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपको। ओके, तो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्च के रिलेटिव भी कुछ अपडेट्स एंड कुछ नए फीचर्स आ चुके हैं। ओके, वो भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सर्च के ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते तो आपको यहाँ पे कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे एक एक करके भी आपको मैं समझा देता हूँ। ओके गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे अनरीड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देन इसके बाद में आपको यहाँ पे फोटोज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके बाद में आपको यहाँ पे वीडियोज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देन इसके बाद में आपको लिंक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देन इसके बाद में आपको यहाँ पे ग्लिप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देन इसके बाद में आपको ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देन इसके बाद में आपको यहाँ पे पोल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अपन अब बात कर लेती है भैया इनका काम क्या है, काम भी बता दे तो काम काफ़ी अच्छा भैया, काफ़ी अच्छा अपडेट दिया है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे फोटोज़ की। ओके, जैसे आप सर्च बार के अंदर जाओगे एंड आज जैसे आप यहाँ पे फोटोज़ के ऊपर आप क्लिक करोगे, जो भी आपने किसी को फोटोज़ वीडियोज़ आपने सेंड करे वो आपके सामने आ जाएंगे। ओके, इसके बाद में अपन नेक्स्ट की अपन बात कर लेते, जैसे आप वीडियोज़ के ऊपर आप क्लिक कर देते हो तो जैसे मान लीजिए आपने किसी को वीडियो सेंड करा या फिर आपके पास में किसी ने वीडियो सेंड करा वो आपके सामने आ जाएगा। ओके, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप किसी को चैट के अंदर आपको जाना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है ना वो फोटोज वीडियोज आपके सामने आ जाएगी। ओके, यार तो काफी इजी काम हो चुका। ओके, इसके बाद में जैसे आप लिंक्स के ऊपर आप क्लिक कर देते हो, जैसे मान लीजिए आपने किसी को लिंक सेंड करी हो या फिर आपके पास में किसी ने लिंक सेंड करी हो वो आपके सामने आ जाएगी। ओके, इसके बाद में आपको ऑडियो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को ऑडियो सेंड करा फिर रिसीव करा आपने या फिर आपने वॉइस मैसेज किसी को सेंड करा वो भी आपके सामने आ जाएंगे। ओके, इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को फोटो सेंड करी हो, वीडियो सेंड करी हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो भी आपके सामने आ जाएंगे, वो भी सारी सब कुछ आ जाएगा भैया। इसके बाद में पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अगर आपने एक चैट के अंदर पोस्ट यूज करा है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये तो यहाँ पे इंटरफेस की बात होगी सामने वाले की। ओके, अपन अब बात कर लेते प्रोफाइल के रिलेटिव भी व्हाट्सएप ने कुछ अपडेट्स दिए वो भी काफी तगड़े वाले। ओके, यानी काफी इजी चीजें हो चुकी है भैया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना। ओके, तो मैं कर देता हूँ क्लिक, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट की अपन बात कर लेते हैं, जैसे आपकी प्रोफाइल आपको यहाँ पे शो कर जाएगी तो प्रोफाइल के पास में आपको यहाँ पे QR कोड आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, ये वाला। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है तो आपका व्हाट्सएप का जो भी QR कोड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप PC लैपटॉप के अंदर अगर व्हाट्सएप को लॉग इन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे स्कैन कोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं आपको यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, जैसे आप प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक कर देते हो तो आपका नेम एंड अबाउट एंड आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो पहले क्या था कि जैसे आप प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक कर देते थे तो डायरेक्टली आपको ये वाला फीचर देखने को मिल जाता था। ओके, इसके बाद में अपन नेक्स्ट की अपन बात कर लेते हैं वो आपकी प्राइवेसी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप प्राइवेसी के ऊपर आप क्लिक कर देते हो तो जो भी सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये
चीज भी काफी इजी हो चुकी है। जैसे कि मान लीजिए पहले अपन को क्या करना पड़ता था, अपन को यहाँ पे थे डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता था, फिर सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता था, फिर आपको प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता था, तब जाके आपको ये वाली सेटिंग्स देखने को मिल जाती थी। बट व्हाट्सएप ने चीज ईजी कर दिया, बस डायरेक्टली आपको यहाँ पे प्राइवेसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना एंड आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। इसके बाद में अपन नेक्स्ट की अपन बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पे स्टार्स ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, आपको वैसे भी मिल जाएगा, जैसे आप किसी भी मैसेज के ऊपर आप टैप करते हो तो आपको स्टार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बट व्हाट्सएप ने यहाँ पे भी आपको स्टार का ऑप्शन देखने को दे दिया है एंड आप लिंक डिवाइस का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा एंड आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। ओके, इसके बाद में आपको पेमेंट, अकाउंट सेटिंग्स, अवतार एंड चैट्स एंड नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे स्टोरेज एंड डेटा का एंड ऐप लैंग्वेज हेल्प एंड इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यह था व्हाट्सएप के न्यू अपडेट। तो गाइज, मैंने बोला था ना कि व्हाट्सएप का इंटरफेस पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, तो आपको ये वाली अपडेट्स कैसे लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज का ये वीडियो अपन यही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सबसे वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा एंड आपको ये वाली अपडेट्स कैसे लगी। एंड आपको कमेंट सेक्शन में ये चीज़ जरूर बतानी कि पहले वाले व्हाट्सएप का इंटरफेस अच्छा था या फिर अभी वाले व्हाट्सएप का इंटरफेस अच्छा है। तो एंड इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना एंड चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। एंड इंस्टाग्राम के ऊपर भाई को फॉलो नहीं करा तो यार फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी एंड यूजर नेम भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपने ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।